नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सैमसंग की तरफ से सैमसंग का गैलेक्सी S24। दोस्तों जी मेरा है 8GB 256GB वाला वेरिएंट, और ये है दोस्तों इसका चार्जर। ये देखिए 25 वॉट PD एडाप्टर USB टाइप सी वाला चार्जर। तो दोस्तों ये मैं आपको इस वीडियो में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये साथ में आया है। अब आप बोलोगे फ़ोन सा चार्जर तो आता नहीं है, तो दोस्तों इसका क्या सीन है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको फिलहाल मैं चार्जर साइड में रखता हूं और फ़ोन की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इसकी प्राइस मैंने जो डाली है वो इतने में मुझे कैसे पड़ा है वो भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरे पास S24, जिसका कलर है मेरे पास जो येलो टाइप से आता है, बट वो येलो लगता नहीं है, वाइट ही लगता है S23 की तरह। तो बॉक्स दोस्तों ओपन है, क्योंकि मैंने इसको यूज कर लिया, सेटअप कर दिया, इसलिए मैंने फिर से इसको पैक कर लिया। तो इस तरीके दोस्तों कुछ बॉक्स मिलता है, देखिए मैंने उल्टा रख दिया था। अब चलिए पहले देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों इसके अंदर मिलती है हमें कुछ पेपर वर्क, देखिए, और एक डाटा केबल जो होती है टाइप सी टू टाइप सी, और बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं है। एक मिलती है सिम इजेक्टर पिन यहाँ पे दोस्तों, जो कि मैंने इसको निकाल लिया था। तो इसको रखता हूँ दोस्तों मैं साइड में। अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ, क्योंकि और इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, चार्जर मिलता है तो दोस्तों वो अलग से लेना पड़ता है। पर मैंने साथ में क्यों दिखाया ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों फ़ोन की लुक एकदम आपको अच्छी लगेगी, सैमसंग गैलेक्सी S20 की तरह काफ़ी छोटा फ़ोन है, कॉम्पैक्ट है एकदम। जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी M15, ये 5G फ़ोन है, इस पर कवर लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों इसके सामने देखिए कितना छोटा लग रहा है, ये देखिए आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कितना छोटा फ़ोन लग रहा है इसके सामने, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है आईफोन 15 की तरह। आईफोन 15 जो आता है सेम उतना बड़ा है ये, तो काफ़ी अच्छा लगता है हाथ में, आसानी से आप इसे होल्ड कर सकते हो। अब S23 और S24 में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता दूँ डिज़ाइन में, कि उसका दोस्तों जो साइड पैनल था जी एज पैनल वो दोस्तों थोड़ा राउंड था, जी एकदम फ्लैट दे दिया गया है आईफोन 15 की तरह, तो आप इसको आसानी से बॉक्स की तरह खड़ा कर सकते हो। तो ये दोस्तों थोड़ा अच्छा लगता है S23 से थोड़ा ये और प्रीमियम फीलिंग देता है। दोस्तों बात करते हैं अब इस फ़ोन के बारे में, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें मिलती है हमें दोस्तों 6.2 इंच की एक सुपर एमोलेड 2X वाली डिस्प्ले, जिसमें आपको फुल HD से भी ऊपर का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों एक एमोलेड डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है फ्रंट और बैक दोनों तरफ, क्योंकि इसमें दिया गया है आपको ग्लास, तो ये अच्छी प्रोटेक्शन है। और दोस्तों ये जो फ्रेम है ये आर्मर टाइप जो कुछ होता है उससे बना हुआ है, तो ये दोस्तों स्टेनलेस स्टील का नहीं है, जो उससे भी अच्छी क्वालिटी का है, जो कि प्लेट है जिसपे आपको इसके द्वारा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का दिया गया है ये, तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है। बट आपको दोस्तों इस पर कवर लगा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना भी अच्छा क्वालिटी का ग्लास हो अगर गलती से गिर गया और गलत तरीके से किसी नोकदार चीज़ के ऊपर गिरा आ गया पीछे से, तो डिस्प्ले जो होती है आगे पीछे वाली वो क्रैक हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, जो दोस्तों इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। दोस्तों इसके फ्रंट में हमें मिलते हैं 3 कैमरे का सेटअप, 3 कैमरे दिए गए हैं, देखिए इस सॉरी दोस्तों बैक में 3 कैमरे, जिसमें मेन कैमरा है इसका जिससे हम फोटो खींचते हैं, जो फोटो लेता है वो दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, प्लस दोस्तों 10 मेगापिक्सल का इसमें अलग कैमरा है, एक 12 मेगापिक्सल का। ये 10 वाला और 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे दोस्तों जो होते हैं साथ में ये दिए गए हैं आपके फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए, यानी दोस्तों उसमें जो ब्लर होता है जो क्वालिटी वगैरह होती है उनको सही करने के लिए, बाकी जो मेन कैमरा होता है वो है 50 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों वो यहाँ पर दिया गया है, ये बिंदी सी आपको दिख रही है इसमें, वो है दोस्तों 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे के मामले में आपको पता है सैमसंग भले ही पिक्सल अलग तरीके देता है 12-10, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो फ्लेक्सिबल लेवल की होती है, जो दोस्तों आप 100 मेगापिक्सल के जो कैमरे आते हैं उनसे भी अच्छी होती है। तो इस मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, मैं आपको एक फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। तो देखिए मैंने एक फ़ोटो ली,
अब आप देख सकते हो इस फोटो को, तो कितनी प्यारी क्वालिटी आई दोस्तों। आप इसको कितना भी जूम करोगे पिक्सल फटेंगे नहीं। देखिए ये देखो, तो इसमें दोस्तों ये जूम क्वालिटी होती है और क्लियरिटी होती है वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है। दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, तो काफ़ी लोगों को डर है कि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है एक्जिनोस का 2400 2400 प्रोसेसर, दोस्तों उसके लिए काफ़ी लोग इससे डर रहे हैं कि पता नहीं ये फ़ोन हीट तो नहीं करेगा, या दोस्तों लैगिंग तो नहीं करेगा, या जो ज़्यादा गर्म तो नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले S23 में हमें मिला था स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, दोस्तों वो था स्नैपड्रैगन की तरफ से, बट उससे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये एक्जिनोस 2400 वाला प्रोसेसर, क्योंकि इसका दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा किया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा बनाया है, इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका दोस्तों जो प्रोसेसर का जो काम है वो S23 में उससे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये एक्जिनोस का 2400 वाला प्रोसेसर, क्योंकि मैंने दोनों ही फ़ोन यूज किए हैं और ये उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके अगर कंपेयर करते हैं तो आप इस टेंशन में ना रहें कि ये फ़ोन हीट करेगा या दोस्तों लैगिंग करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, काफ़ी ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हो, तो आप दोस्तों सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस ले लो, चाहे भले ही आप अल्ट्रा ले लो, वो भी दोस्तों आपको दिक्कत देगा, क्योंकि ये जो फ़ोन होते हैं जो गेमिंग फ़ोन नहीं होते सैमसंग वाले, इतने सैमसंग के फ़ोन दोस्तों वही लेते हैं जिनको गेमिंग नहीं करनी होती ज़्यादा, जो गेमिंग करते हैं वो अदर ब्रांड की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें मिलती है S23 से 100 mAh की बैटरी एक्स्ट्रा, यानी इसमें मिलती है हमें 4000 mAh की एक छोटी सी बैटरी, क्योंकि दोस्तों फ़ोन भी छोटा है तो बैटरी भी आपको उस हिसाब से मिलेगी, 4000 mAh की मिलती है। और इसका बैकअप की बात करूँ तो जो S23 में आपको मिलता था, अगर आपने S23 यूज़ किया है तो आप मान के चलिए आपको उससे 25 या 30 मिनट का बैकअप थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। तो अगर आपने S23 यूज़ किया है तो आपको अंदाजा आइडिया लग जाएगा कि कितना बैकअप जी आपको दे सकता है आपके यूजेस के ऊपर। बट जी मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको S23 से आधे घंटे का बैकअप एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर, क्योंकि दोस्तों एक्जिनोस का जो प्रोसेसर है वो इतनी ऑप्टिमाइज तरीके से इसमें बनाया गया है कि ये फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं करता नॉर्मल यूज में। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो फिर तो आप कोई सा ही फ़ोन ले लो वो भी हीट करने लगते हैं। तो बैटरी के मामले में दोस्तों जो आपका एक दिन आराम से निकाल देगा अगर आप इस तरीके से यूज करते हो जैसे सैमसंग का डिवाइस जो लोग यूज करते हैं, तो ये आपका एक दिन आराम से निकाल देगा। और अगर आप प्रॉपर यूज करते हो, इसकी डिस्प्ले बंद नहीं होने देते, तो आपको आसानी से 5 घंटे का तो बैकअप आसानी से मिल जाएगा, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा 5 से 6 घंटे का बैकअप, कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस छोटे से फ़ोन में 5 घंटे करीब का बैकअप मिल रहा है। दोस्तों इसकी बात करते हैं जो फीचर्स वगैरह होते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, जिसमें अगर आप बारिश में भीग जाता है या आप इसको स्विमिंग पूल वगैरह में लेकर जाते हो तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो रेटिंग दी गई है वो है IP68 वाली। बट दोस्तों ये एक फ़ीचर है, ये कंपनी कोई आपको वारंटी नहीं देती, अगर आपका फ़ोन बाई चांस पानी से ख़राब होता है तो आपको सर्विस सेंटर से कोई वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि IP68 जो रेटिंग है ये एक फ़ीचर है फ़ोन के अंदर जो हमें इस फ़ोन में मिलता है। तो आप जानबूझकर पानी में फ़ोन बिल्कुल ना डालें, क्योंकि गलती से अगर गिरता है तब तो ये फीचर काम करता है। अगर आप जानबूझकर करोगे और बाई चांस फ़ोन ख़राब हो गया तो कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो भले ही कोई सी भी रेटिंग फ़ोन में हो, आपको पानी से बचा कर ही रखना है, क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कब इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए कुछ पता नहीं होता। बट इसमें हमें फ़ीचर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम इसको यूज कर सकते हैं कभी इमरजेंसी में। दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्कैनर की बात करूँ तो दोस्तों अच्छी पोजीशन पे है, ये देखिए कितना ऊपर दिया गया है, आसानी से आप टैप करके ओपन कर सकते हो। नहीं तो पहले दोस्तों काफ़ी लोग होते थे जो वो फ़ोन होते थे उनमें यहाँ पे दिया जाता नीचे, तो आप एक हाथ से इसको टच नहीं कर पाते थे, फ़ोन गिरने का डर रहता था इस तरीके से, लेकिन अभी इसमें सही जगह पर दिया गया है। इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट है वो दिया गया है अल्ट्रासोनिक वाला, जो काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको फेस ID भी दी गई है जो काफ़ी अच्छा काम करती है। और दोस्तों सिक्योरिटी जो होती है सैमसंग की महंगे फ़ोनों में वो होती है नॉक सिक्योरिटी, जो आपकी काफ़ी अच्छी
दोस्तों अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन के जो काम जो दोस्तों सेफ फाइल होती हैं उनको अच्छी तरीके से सिक्योर रखती है, तो सैमसंग में दोस्तों ये अच्छी चीज़ होती है। तो दोस्तों सारी बातें इस फ़ोन की हो चुकी हैं। वॉल्यूम इसमें आप जो साउंड मिलता है दोस्तों वो मिलता है डॉल्बी का। आप इसमें डुअल स्पीकर सपोर्ट मिलता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। एक ऊपर है यहाँ पर और एक दोस्तों नीचे दिया गया है। इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, दो सिम इसमें लगा सकते हो, बट आप इसके अंदर कोई भी कार्ड नहीं लगा सकते। और आप दोस्तों इसमें ई सिम भी लगा सकते हो, और आप ई सिम चलाना चाहते हो तो आप इसमें एक ई सिम भी यूज कर सकते हो। और इसकी स्टोरेज की बात की जाए दोस्तों तो ये 8GB 256GB वाला वेरियंट है मेरे पास, जिसके अंदर आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। अगर आप 128 वाला लेते हो तो उसमें आपको कम देखने को मिलेगी, बट इसके अंदर मिलती है 4.0 की, जिससे आप अपनी फाइबर ट्रांसफ़र करते हो अपनी PC या लैपटॉप से तो काफ़ी जल्दी स्पीड से हो जाएगा। दोस्तों इसके बेजल भी आप देख सकते हो, ये आपको थोड़े मोटे लग रहे होंगे, वैसे तो काफ़ी कम है, लेकिन आपको जो दिख रहे हैं ना, जिस वजह से हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है एक टेम्पर ग्लास। तो टेम्पर ग्लास पर दोस्तों एक पट्टी आती है ब्लैक कलर की, तो टेम्पर ग्लास दोस्तों थोड़ा छोटा था, तो वो उसी हिसाब से उसने शॉपकीपर ने लगाया कि वो चारों तरफ से एकदम फिक्स बैठे, जिस वजह से क्या हुआ दोस्तों थोड़ी पट्टी फ़ोन की थी हल्की सी और हल्की दोस्तों टेम्पर ग्लास की, इस वजह से थोड़ा मिलाकर चौड़ा लग रहा है, नहीं तो इसकी इतनी चौड़ी बेजल्स नहीं है, काफ़ी कम है। बट आपको चारों तरफ से एक से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हो, साइड से कम हो, ऐसा नहीं है। चारों तरफ से दोस्तों आपको ना के बराबर बेज मिलते हैं S23 के मुकाबले, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा थे इसके आगे। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों इसकी डिस्प्ले कि इसमें आपको कोई कर्व देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कर्व डिस्प्ले जो होती हैं उनमें टूटने का डर ज़्यादा रहता है गिरने के बाद, भले ही आप उनमें कवर लगा लो तो भी दोस्तों उनका डर रहता है कहीं फ़ोन गिर जाए तो कहीं से क्रैक ना हो जाए। और दोस्तों जो फ्लैट डिस्प्ले होती हैं आप उन पर टेम्पर ग्लास आसानी से यूज कर सकते हो अच्छे से अच्छा, बट कर्व डिस्प्ले में दोस्तों आपको स्क्रीन गार्ड ही लगाना पड़ेगा। उनके जो टेम्पर होते हैं यूवी वाले, अगर यूवी आप टेम्पर लगवाते हो तो उससे डर रहता है कि जो लिक्विड होता है कहीं आपके फ़ोन की जो साइड वगैरह में होते हैं उनमें बटन वगैरह उनमें चला गया तो आपके फ़ोन को डैमेज कर देते हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोग उनमें प्रोटेक्टर यूज करते हैं टेम्पर ग्लास की जगह, तो दोस्तों उसमें इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। बट फ्लैट डिस्प्ले में हमें प्रोटेक्शन अच्छी मिल जाती है टेम्पर ग्लास लगाने के बाद। दोस्तों इसकी प्राइस की बात मैं आपसे करूं तो ये आपको ऑनलाइन मिलेगा 8GB 256GB वाला 70,000 के आसपास, सॉरी दोस्तों 80,000 के आसपास मिलता है। अगर डिस्काउंट वगैरह लगाते हो फिर भी आपको जो 75 या 70 के आसपास ही मिलेगा, 70 से कम कोई भी उम्मीद नहीं है मिलने की अगर आप इसको ऑनलाइन बाई करते हो तो। बट अगर आप इसको अपनी मार्केट से बाई करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी मार्केट में आकर किसी लोकल शॉप से लो, मैंने दोस्तों इस फ़ोन को लिया है अपनी मार्केट से ही सैमसंग स्टोर से, क्योंकि वहाँ से एक तो दोस्तों ये फ़ायदा हुआ कि मुझे तुरंत मिल गया एंड टू एंड, और दूसरी दोस्तों मैंने वहाँ पे पहले जो डेमो होते हैं उनमें ट्राई किया कि फ़ोन कैसा है, कौन सा कलर अच्छा है, उसके बाद भी मैंने इसको परचेज़ किया। अगर आप ऑनलाइन लेते हो वहाँ पे ऐसा दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी फ़ोन, और ना ही दोस्तों आपको तुरंत मिलने वाला है, जो टाइम होगा उस टाइम पीरियड उसी में आपको मिलेगा। दोस्तों जे मैंने 62,000 रुपये का कैसे लिया, जे मैंने अपनी स्टोर से सैमसंग स्टोर जो मेरे नई दिखता वहाँ पे गया, वहाँ मैंने उसका रेट पूछा तो उन्होंने मुझे वही रेट बताया जो ऑनलाइन दिखाया जाता है। फिर मैंने उनसे थोड़ा बारगेनिंग वगैरह की, मैंने बोला कि मुझे कैश में चाहिए, कोई फाइनेंस नहीं कराना, तब उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अगर आप इसको कैश में लेते हो तो आपको 63 का मिल जाएगा। फिर मैंने थोड़ा उनसे और बोला कि भैया और कम हो जाएगा वो देख लो, तब उन्होंने इसका रेट जो है 62,000 रुपये कर दिया, और प्लस साथ में मुझे उन्होंने चार्जर भी दिया ये वाला 25 वॉट का, जिसकी जो प्राइस होती है वो भी 1500-1600 रुपये होती है। तो दोस्तों मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर मैं इस चार्जर को नहीं लेता, नहीं चाहिए मुझे, तो इसका आप रेट माइनस कर दो फ़ोन के रेट से, तो उन्होंने बोला कि सर आपका जो फ़ोन है वो आपको इतने का ही मिलेगा 62 का, आप चार्जर भले ही ना लो फिर भी आपको इतने का ही मिलेगा, तो आप जो समझिए चार्जर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मैंने फिर चार्जर ले लिया, क्योंकि इसको माइनस करने से भी मुझे उतने ही पैसे देने पड़ रहे थे जितने चार्जर के साथ देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जिस चार्जर मुझे फ़ोन के साथ मिला, तो आप बोल सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर ही मुझे चार्जर मिला है। तो 62,000 में मुझे ये फ़ोन मिला 256GB वाला, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप भी इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी सर्विस सैमसंग का स्टोर होता है वहाँ जा सकते हो और इसकी रेट ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ऑफ़र वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ जो तभी मिलेंगे
जब इसको आप कैश में लेते हो, अगर आप इसकी EMI वगैरह बनवाते हो, फिर आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा जो कंपनी फ़ोन पर रखती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो उसको फिर मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।